बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सतीश उपाध्याय और रमेश बिधूड़ी की अगुवाई में केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने साफ साफ आरोप लगाया कि दिल्ली में परिवहन विभाग से 10,000 ऑटो के नए परमिट जारी करने में गड़बड़ी हुई है। इन बीजेपी प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि 23 दिसंबर से अब तक जारी किए गए 932 लेटर ऑफ इंटेंट में नियमों की अनदेखी की गई और रिश्वत ली गई। केजरीवाल शांत करो, ऑटो वालों ने मान सम्मान दिया लेकिन ऑटो वालों के साथ अपने धोखा कर लिया। इस तरह के बैनर्स और पोस्टर लहराते हुए और आप देखिए इन बीजेपी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की भी कोशिश की गई। सतीश उपाध्याय आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, सतीश उपाध्याय नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा सरदार आरपी सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। जिन्हें ऑटो वालों ने तनबंदे उसका समर्थन किया था उन ऑटो वालों के साथ में विश्वासघात हुआ है। 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगकर दलालों के द्वारा आज जो परमिट अटॉर्ट किए जा रहे हैं, 10,000 परमिट देने का मतलब है 1 लाख परमिट वाले से लेने। ये 100 करोड़ रुपए का घोटाला है जो केजरीवाल के आंखों के नीचे हो रहा है। केजरीवाल इस पर ध्यान दे और केजरीवाल को बनने का अधिकार नहीं, उसको रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह सब केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे हुआ है। केजरीवाल और परिवहन मंत्री गोपाल राय को इस्तीफा देना चाहिए।